अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम घमोरा कैसे पड़ा? मतलब तुम्हें घमोरी होता था क्या? मेरा नाम घमोरा नहीं, गमोरा है। अच्छा देखो, इसे रंग भेद मत समझना, पर कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, पर तुम हरा कैसे? एक दिन मैं हल्के घर के नीचे से गुजर रही थी, तभी हल्के घर से मेरे ऊपर हरा पानी गिरा। हरा पानी मतलब? हल्क अपने बालकनी से पेशाब कर रहा था, उसके हरा पेशाब ने मेरे ऊपर हरा रंग डाला। मतलब हल्क हरे रंग का करता है? मुझे भी पहले नहीं पता था, साले ने मुझे हरा कर दिया। पर हरा तो हल्क भी है, उस पर भी किसी ने छिड़काव किया है क्या? हो सकता है। अच्छा ये तो समझ में आता है, पर विजन को किसने लाल किया? उस बेचारे का अलग ही कहानी है। एक्चुअली वो अजय देवगन का डायहर्ड फैन है। वो हमेशा उनके घर के खिड़की के नीचे अजय सर आई लव यू, अजय सर आई लव यू चिल्लाया करता था, और कभी कभी अजय सर उसे देख भी लिया करते थे, पर बहुत देर पर। तब तक उस खिड़की से अजय देवगन बस बिमल खाकर थूकते रहते थे। बेचारे पर बिमल का इतना थूक पड़ा कि बेचारा लाल हो गया। वो आज तक नहीं नहाया, कहता है कि अजय सर की निशानी मिट जाएगी। अरे अभी याद आया, तुमने अपने पापा से बात किया हमारे शादी के बारे में? बस थोड़ा सा जिक्र की थी तुम्हारे बारे में, आज शादी के बारे में बात करूंगी। पता नहीं मेरे बाप को तुमसे इतना चिढ़ क्यों है। तेरा बाप बीड़ी बेचने वाले का कभी कदर नहीं कर सकता। ये कब खरीदा तुमने? अच्छे अच्छे गाने हैं तो सुनाओ ना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बहुत अच्छा गाना है, बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नो no! पर गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। मुझे भी पता है और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर ये सब सिर्फ शादी के बाद। आज मैं अपने बाप से बात करने वाली हूँ शादी के बारे में। साला मेरा बाप शादी के लिए मानेगा या नहीं उसका ठीक नहीं है, पर इसको बस किस की पड़े। ठीक है मेरा गर्दन छोड़। मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है। आखिर क्या गलत है उस लड़के में? प्यार करती हूँ मैं उससे, बेटी का खुशी नहीं देखा जाता, पता नहीं कैसे बाप हो आप। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटी। मैं 18 की हो गई हूँ, क्या गलत है और क्या सही मैं सब जानती हूँ। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। पर कभी कभी माँ बाप को भी अपने बच्चों को डिसीजन लेने देनी चाहिए। तो तुम चाहती हो मैं उस चमन्नी छप संतोष से तुम्हें शादी करने दूँ? बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। पर बेटी केवल प्यार ही सब कुछ नहीं होता, क्या खिलाएगा वो तुम्हें? आज तुम्हारे दिमाग में बस प्यार का बुखार भरा हुआ है, कल को शादी हो जाने के बाद जब तुम्हें किसी चीजों की जरूरत पड़ेगी तब क्या वो कर पाएगा तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी? देखो बेटा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। जो लड़का स्प्लेंडर मॉडिफाई करा के लोफड़ की तरह गली में घूमता है, मैं उससे कभी तुम्हारा शादी नहीं करवाऊंगा। मुझे पसंद है उसका बाइक। ये पढ़ने लिखने के समय में तुम्हें शादी का बुखार कब से चढ़ा? मात्र 18 की हो तुम। 18 साल मेरा बस स्कूल से है, असली में मैं 22 की हो गई हूँ पापा। क्या हो क्या गया है तुम्हें? इस उम्र में सारी लड़कियाँ शादी करने से पीछे भागती है, पर तुम्हें शादी करने के लिए इतना बेचैनी क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी जवानी फीकी पड़ती जा रही है। कहाँ से सीखती हो तुम ये सब? देखो शादी होगी तुम्हारी उसी से जो रखेगा तुम्हें खुशी से। पर मैं उससे प्यार करती दूंगा, एक कान के नीचे सारा उतर जाएगा प्यार का बुखार। तो आप भी सुन लो मेरी बात, आप यहाँ बैठ कर बजाओ चुटकी, मैं चली अपने सैया संग होने फरार।